हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज निधि में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में आप लोग के फिजिकल चल रहे हैं। कॉन्स्टेबल, जी हाँ, कॉन्स्टेबल के फिजिकल आप लोग को स्टार्ट हो चुके हैं 18 जनवरी से। तो फिजिकल की मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूँ सेंटरों से आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोगों को पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग के कमेंट्स के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, और यदि कमेंट्स एक जैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मैं आप लोग के लिए एक प्रॉपर अलग से जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप सभी को जो है एक ही वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो लेकिन इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप लोग का भी होने वाला है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का फिजिकल, तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो, जो कि है गांधीनगर गुजरात। जी हाँ, गांधीनगर गुजरात मेरे एक सब्सक्राइबर है, इनका सेंटर पड़ा था, और आज 20 जनवरी में इनका फिजिकल था। फिजिकल क्लियर करके इन्होंने मुझे बताया और पूरी जानकारी मुझे दी है कि क्या क्या हुआ है गांधीनगर गुजरात सेंटर में, फिजिकल कैसे रहा, वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे चेक किए गए, हाइट वेट चेस्ट का क्या मीन्स वहां पे प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो रनिंग वगैरह कहाँ हो रही है। कि गांधीनगर में जो इनका सेंटर पड़ा था, तो कुछ बच्चों का जो है 18 तारीख को छूट गया था, ठीक है, तो 19 तारीख को गए थे, तो वहां पे उनको फिजिकल देने दिया गया, किसी ने उनको नहीं रोका। तो इसके अलावा और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी यदि गांधीनगर गुजरात में आप लोग का सेंटर पड़ा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, और यदि सेंटर नहीं पड़ा है फिर भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग को वीडियो में निकल के आती है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आप लोग को पूरी रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं, फ्रंट में फेरी फोटो रहेगी, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी गांधीनगर गुजरात के फिजिकल सेंटर की। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ, अरे फिजिकल क्लियर हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया हो गया। अरे भाई चलो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कहाँ सेंटर से निकल गए? हमारा गुजरात गांधीनगर में। नहीं, सेंटर से निकल गए हो? हाँ सेंटर से निकल के अभी रूम पर आया हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बजे निकले वहाँ से? वहाँ से तो करीबन 4 बजे निकला मैं, 4:30 बजे। अच्छा, कौन सा सेंटर पड़ा था तुम्हारा? गांधी अपना गुजरात गांधीनगर। अच्छा, गुजरात गांधीनगर। हाँ चलो भाई, बहुत खुशी हुई जानकर के तुमने फिजिकल क्लियर किया। तो थोड़ी सी जानकारी दो वहाँ से, तो वहाँ से कितनी दूर, मतलब वहाँ पे कुछ रुकने की व्यवस्था है क्या? रुकने की व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो हाईवे पर है, वो हाईवे है ना, उस पर रुकने की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो आसपास जैसे कि मतलब स्टेशन से कितनी दूर पड़ता होगा ये? स्टेशन से तो करीबन 5 किलोमीटर। अच्छा, तो स्टेशन पे तो होगा मतलब जगह रुकने का तो? हाँ स्टेशन पे है। अच्छा 5 किलोमीटर तक, चलो कोई ज्यादा नहीं है, कोई खास नहीं है, मतलब वहाँ पे स्टेशन पे मान लो तुम रुक के वहाँ जा सकते हो सुबह मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं है? टैक्सियाँ बहुत है। अच्छा अच्छा, चलो अपने गुजरात गांधीनगर के बारे में बताओ, पहले बताओ हिंदी बोल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ी दिक्कत है, फिर भी ट्राई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो धीरे धीरे बोलो, लेकिन बोलो जरूर, क्योंकि भाई जरूरी है। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, एंट्री कितने बजे हुई तुम्हारी? एंट्री तो 6 बजे चालू हो गया था। अच्छा वही 6:30 बजे है? हाँ 6:30, वो रोल नंबर बोलते हैं, पहले बाहर सबको इकट्ठा कर देते हैं। अच्छा अच्छा, और आज ये बताओ मेरे को, जैसे तुम आज गए तो कुछ वो बच्चे आए जिनका कि पहले फिजिकल था जो नहीं पहुंचे, या जो भी जिनका लिस्ट में नाम था वो पहुंचे, कुछ ऐसा था वहाँ पे आज? ना आज तो ऐसा कुछ कोई बंदा नहीं आया था। अच्छा, कल को आया था जो मेरे दोस्त का था। हाँ, उसको 19 तारीख का, तो 18 तारीख का बंदा आया था वहाँ पर, उसको अलग बिठाया था। अलग बिठाया था मतलब फिजिकल लिया गया ना उसका? हाँ फिजिकल ले लिया उसका। हाँ चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी है तुमने, बहुत अच्छी जानकारी दी है। वही मैं मतलब बच्चों से कहता हूँ, अगर छूट गया है तुम चले जाओ। हाँ छूट गया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तो शुरू से ही बच्चों से बोल रहा हूँ इस चीज को कि भाई छूट गया है चले जाओ, जल्दी करो, ज्यादा टेंशन मत लो, फोन वोन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? चलो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने, बहुत अच्छी। क्या नाम है तुम्हारा? रमन जी। हाँ रमन, अच्छा अब ये बताओ, एंट्री हुई तो एंट्री मतलब मोबाइल वगैरह तुम्हारा रखा लिया? ना मोबाइल तो हम अपने पास ही था, उसी मोबाइल नहीं लिया था अपने पास। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी से तुम फोटो खींच रहे थे? हाँ खूब फोटो खींच रहे थे।
अच्छा, तो यहाँ पे ये बताओ फिर एंट्री के बाद तुम लोग का क्या डॉक्यूमेंट वगैरह, वो मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फॉर्म वॉर्म भरवाया क्या? हाँ, अंदर एंट्री के बाद वो 6 पेज का फॉर्म देते हैं, अच्छा, कितने फोटो लगे तुम्हारे? एक ही फोटो लगा था। अच्छा, एक ही फोटो लगा, चलो बहुत बढ़िया। एक तो एक एडमिट कार्ड पे लगा होगा। हाँ, एक एडमिट कार्ड पे तो वो घर पे लगा के गए थे, तो अच्छा दूसरा वहां जाके वो फॉर्म पे लगवाया। चलो ठीक है, कम कम फोटो में ही काम हो गया। अच्छा डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, डॉक्यूमेंट में वहां पे क्या हो रहा था, कुछ बताओ। डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ वो कास्ट सर्टिफिकेट आता है ना, मांगा वही मांगा था, कास्ट सर्टिफिकेट वो तो चला जाता है। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगा गया। हाँ, दूसरा कुछ नहीं मांगा अच्छा, और कुछ नहीं देखा गया जैसे हाई स्कूल वगैरह ये सब? ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा, तो बहुत मतलब डॉक्यूमेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं है वहाँ सेंटर पे? दिक्कत नहीं है। और नहीं हो तो तुम मंगवा भी सकते हो, बोलते हैं तुमको घर से मंगवाना, तो मंगवा भी सकते हो, शायद भूल गए हो, अच्छा, मंगवा छूट सकते हो गया या फिर बाद में है। जमा कर हाँ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब गांधीनगर सेंटर में चलो डॉक्यूमेंट हाँ, को बहुत लेके कोई अच्छा है, दिक्कत नहीं बहुत है। सब जवान बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा लगा। अच्छा अब ये बताओ फिर, रनिंग वनिंग स्टार्ट हुई होगी तुम्हारी? हाँ, रनिंग 10 बजे स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो रनिंग में तो पूरा 10 मिनट मिल रहा है ना? हाँ, पूरा 10 मिनट कोई भी बंदा है उसमें निकल निकल आने, सब पास हो गए थे। अच्छा ये बताओ, जो गुजरात गांधीनगर में यहाँ पे रनिंग कहाँ हो रही है, ग्राउंड में हो रही है कि मतलब रोड पे? रोड पे, रोड पे रोड है वो, तो वो काशी का बोलते हैं ना, हाँ हाँ बॉलिंग वाले, ऐसे अच्छा रोड है। हाँ अच्छा 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 तो रोड पे तुम्हारी रनिंग हो रही है, हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा तो फिर रनिंग के बाद फिर तुम्हारा ये मतलब फिजिकली हाइट वेट वगैरह हुआ होगा? हाँ, फिर हाइट वेट हुआ। अच्छा, तो हाइट में, तो हाइट में काफी बच्चे निकले नहीं निकले वहां पे? हाइट में और चेस में बहुत बंदे बच्चे निकल गए, बहुत निकल गए, बहुत बच्चे निकल रहे हैं ना? बहुत निकल। हाँ, हाइट में तो बिल्कुल भी छूट नहीं मिलती, लेकिन चेस्ट में थोड़ा शायद हो तो पुशअप लगाने बोलते हैं कि तुम यहाँ पुशअप लगा दो, चेस्ट शायद हो सकती है। वो नीचे वाले पुशअप लगाते हैं ना, हाँ, वो लगाने को आपको अपने को टाइम देते हैं, कि शायद 1-2 इंच कम होती हो तो पुशअप लगाने के बाद चले जाना। अच्छा मतलब ये है कि चेस्ट में मतलब थोड़ा बहुत कम है तो वो कह रहे हैं भाई अपना पुशअप वुशअप लगा के नपवा लो, ठीक कर लो। हाँ, ठीक कर लो, लेकिन हाइट में तो बिल्कुल छूट नहीं मिलती। चलो इतना कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना कर दिया वहां पे चेस्ट चेस्ट को लेकर के, बहुत ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा मतलब वो तो ऊपर वाले में होता होगा ना, 80 तो होना ही चाहिए, 80 से नीचे जो नीचे वाला होता है वो नहीं करते होंगे, 80 80 वाले को नहीं हाँ, छोड़ते होंगे। 80 तो होना चाहिए, वो फुलाने के बाद आता है ना, 5 इंच फुलाने के बाद। हाँ उसमें उसमें दे देते होंगे मतलब छूट। हाँ, उसमें दे रहेगा, थोड़ा पुशअप पुशअप लगा दो। अच्छा चलो फिर इसके बाद जो मतलब फिर भी तुम कितने बच्चे पहुंचे थे सेंटर पे? वहाँ 117 बच्चे हो गए शायद, 117। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से कितने बच्चे पास हो गए होंगे? तो कितने बंदे, 74 बंदे क्वालिफाई हुए थे, बाकी सब रिजेक्ट हो गए थे। अच्छा चलो मतलब फिर भी ठीक है, मतलब फिर भी ठीक रिजल्ट रहा, लेकिन हाइट में काफी बच्चे निकल रहे हैं कुल मिला के। हाँ, हाइट में और चेस्ट में काफी बंदे निकल रहे हैं, वो सब निकले, बाकी के सब वो सब हाइट में और चेस्ट में ही निकल गए। हाँ, हाँ रनिंग तो कुछ है ही नहीं ना, रनिंग के तो कोई रनिंग में मतलब। तो कुछ नहीं है। चलो इसके बाद फिर तुम लोग को मतलब फाइनल वो उन्होंने वो दिया होगा ना, मतलब क्या कहते हैं वो फॉर्म वगैरह दिया होगा जिसमें उनकी मोहर हाँ, वोहर लगी होगी? तो बहुत फिर तो बहुत देर तक बिठाए दिए, और 3 बजे तक वो फॉर्म दिए, अच्छा और सबका फोटो खींचा, वो सर के साथ के सबका फोटो फोटो खींचा, जो रिजल्ट हुए उनका भी और हमारा भी, सबका फोटो खींचा, और फिर बोला कि अब चले जाओ, छोड़ दिया। अच्छा लॉन्ग जंप वॉन्ग जंप कुछ नहीं हो रहा है ना? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेड ट्रेड ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा चलो अच्छी बात है, मतलब तुम 4 बजे करीब वहां पे छुट्टी मिल गई। हाँ, 4 बजे, 4:30 बजे तो छुट्टी मिल गई थी। और कुछ जानकारी नहीं थी मतलब वहां पे, कुछ अलाउंस वगैरह नहीं हुआ जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए, कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा था वहां पे? अच्छा ना, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा है। तो कुल मिला के मतलब ठीक ठाक रहा वहां का हिसाब किताब, और हाँ, सब कुछ? ठीक, इतना इतना हार्ड नहीं है, सब इजी है। हाँ, हाँ सब इजी है। और कुछ जानकारी मिली वहां पे रिटर्न रिटर्न के बारे में, कुछ पूछा? वैसे पूछा था, नहीं उस जवानों को बोला था, वो तो तुमको कॉल लेटर में ही पता चलेंगे, हमको भी नहीं पता, ऐसा बोल रहे थे। हाँ चलो बहुत अच्छा लगा भाई तुम्हारे से जानकारी मिली, और सबसे बड़ी चीज एडमिट कार्ड को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे जिनके जो फॉर्म वगैरह मतलब छूट गए हैं जिनके, कि हम जाएं नहीं जाएं। चलो बहुत अच्छा लगा भाई।
बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको मेरी तरफ से, और जिन जिन का सेंटर गांधीनगर में पड़ा उनकी तरफ से भी धन्यवाद। ठीक है, हाँ थैंक यू और तैयारी करो रिटर्न की, इसी प्रकार से रिटर्न भी तुमको निकालना है। हाँ थैंक यू सर। ठीक है इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिए आप लोग वीडियो में, मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ। मैंने आप लोगों को सभी वीडियो में कहा है कि मैं आप लोगों को फिजिकल क्लियर करवा के रहूंगा। फिजिकल क्लियर करवाने के बाद ही मैं यहाँ से उठूंगा, बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।